निवेश के पारंपरिक और सुरक्षित विकल्पों में बैंक एफडी का नाम हमेशा से सबसे ऊपर रहा है। 90 के दशक तक तो हर निवेशक बैंक एफडी में ही अपनी जमा पूंजी को रखना पसंद करता था। बीते 20-25 साल से शेयर बाजार से जुड़े निवेश विकल्पों के साथ ही दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ने भी लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है, लेकिन लोकप्रियता के पायदान पर अभी तक भी बैंक एफडी के नजदीक कोई दूसरा विकल्प नहीं पहुंच सका है। इनकी लोकप्रियता में भले ही अभी तक कोई भी कमी नहीं आई है, लेकिन रिटर्न देने के मामले में अब ये काफी पिछड़ते जा रहे हैं। दरअसल 8% की नजदीक पहुंच चुकी महंगाई ने इनसे मिलने वाले रिटर्न को शून्य के भी नीचे यानी नेगेटिव पर पहुंचा दिया है। SBI के FD रेट्स पर नजर डालें तो 6 महीने की FD पर 4.40%, 1 से 3 साल की FD पर 5.10%, 3 से 5 साल की FD पर 5.30% और 5 से 10 साल की FD पर 5.40% ब्याज मिल रहा है। बीते कुछ साल से तो ब्याज दरों में कमी देखी ही जा रही है, साथ ही आने वाले महीनों में भी RBI की रेपो रेट बढ़ाने के बावजूद इनके रेट में खास तेजी आने की उम्मीद नहीं है। वैसे भी बैंकर्स की ब्याज दरों में तो तुरंत इजाफा कर देते हैं, लेकिन FD पर ज्यादा ब्याज देने में अक्सर देरी करते हैं। SBI ने लोन रेट को 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने के बावजूद 2 करोड़ से कम कीमत की FD के लिए ब्याज नहीं बढ़ाया है। ICICI बैंक ने FD रेट्स को 20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है, जबकि MCLR में 20 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है। वहीं HDFC DO ने FD रेट्स में 20-20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है, जबकि MCLR ने 30-20 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया है। देश के इन 3 दिग्गज बैंकों के इन फैसलों से साफ जाहिर है कि FD की दरों में अभी बढ़ोतरी होने में देरी लगेगी। FD के रेट बढ़ाने के नाम पर बैंक केवल 3 साल से ज्यादा अवधि या मोटी रकम की FDs पर ब्याज दर बढ़ा रहे हैं, यानी 2 करोड़ या उससे ज्यादा अमाउंट की FD पर ही ज्यादा ब्याज मिल रहा है। FD पर ब्याज न बढ़ाने की वजह है कि बैंकों के पास पहले ही भरपूर नकदी है। ऐसे ही मार्केट में भी लिक्विडिटी की कमी नहीं है, इसलिए बैंक ज्यादा FD करके अपनी लागत को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। फिक्स डिपॉजिट रेट्स माइट विटनेस सम काइंड ऑफ एन इंक्रीज, बट यस ऑफ कोर्स अगेन मच ऑफ इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सेस लिक्विडिटी व्हिच इज देयर इन द सिस्टम एंड व्हिच अगेन इज अ फंक्शन ऑफ द काइंड ऑफ क्रेडिट डिमांड व्हिच विल बी सीन गोइंग फॉरवर्ड। इन सब हालातों के बीच ग्राहक को आने वाले दिनों में राहत मिल सकती है, जब RBI धीरे धीरे करके रेपो रेट्स को 1.5% तक बढ़ा देगा। इससे FD की ब्याज दरों में इजाफा होने के साथ ही महंगाई को भी कंट्रोल किया जा सकेगा। आज तक ब्यूरो। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।